गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है शहजाद फैमिली ब्लॉग में। बोलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो हम लोग का, चलिए हम लोग का तो नाश्ता हो गया, मैं बर्तन वर्तन धो के बैठी हूँ, थोड़े से कपड़े हैं धोने का, दिल भी बोल रहा है, दिल नहीं भी बोल रहा है। कब से बैठे हुए यहाँ पे अब्बा के साथ टाइम पास करते हुए बैठे हुए? ज़्यादा नहीं है, थोड़े से सुहान का स्कूल का वही कंटाल भी आ रहा मुझे धोने के लिए, बस ऐसी बैठी हूँ। खाना ही बनाने का नहीं है, सुबह उठ के पराठा वराठा बनाई, चाय बनाई, तो हम लोग 11:30 बजे नाश्ता किए ना, तो पेट भरा हुआ ही लग रहा है। अभी 2:15 हो रहे, तो इस वजह से अभी मतलब खाना वाना खाने का ऐसा ऊपर नीचे दिल कर रहा है। थोड़ा पुलाव भी रखा है, मसूर का पुलाव बनाई थी, थोड़ा रखा है, और बच्चे लोग ने कुछ चीज भी ऑर्डर किया इसके अब्बा घर में, ये ना आज अब्बा की जेब वापस से काट दी है, पता नहीं हुई क्या। हाँ मैंने मतलब ऑर्डर की, वो जब आ जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। खाने का ही ऑर्डर की गाइस, मतलब ज्यादा हम लोग बाहर का नहीं खाते हैं, बहुत कम ही खाते, लेकिन अभी एक दो दिन से, अभी परसों मैंने गार्लिक ब्रेड मंगाई थी, वो तो मिली, चलो अब्बा आज घर में, वरना जल्दी मेरे को तो मिलते ही नहीं। अब्बा रात में आते, जब तक मैं ऊपर सोने चले जाती, फिर मेरे उठ के आने तक के अब्बा काम पे चले जाता है। दो दो तीन तीन दिन तक तो मैं अब्बा की शक्ल ही नहीं देखती हूँ घर में रह के भी। मैं अब मतलब मेरे ऊपर चले जाने तक अब्बा आते, फिर मेरे आने तक अब्बा चले जाते, तो आज अब्बा रात में आ गए थे, फिर अभी आज दिन में घर में ही है, तो मेरी चलो क्यों ना अब्बा की जेब काट ली जाए ना। पे अब्बा है, देखो नाखून काटते हुए बैठे अब्बा। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आज कल रात भर सोया नहीं ना, तो इसके लिए नहीं गया काम पे, है ना, गया था मुमरा गए थे, मंगनी में गए थे मेरे अब्बा, मंगनी थी ना कल, बहुत डांस किया मैंने, बहुत, है ना, तभी तो इतना अभी तक थकान नहीं उतरी है मुझे, बहुत डांस किया, बहुत मजा आया। उसका ब्लॉग बनाया हूँ गाइस, वो ब्लॉग तो मैं अपलोड करूँगा कल। अच्छा तो कल तो मेरा ये भी ब्लॉग जाएगा, हाँ तो डाल देना ना, लेकिन वो ब्लॉग में बनाया हूँ, बहुत फनी ब्लॉग बनाया। अच्छा तो गाइस वो भी ब्लॉग आप लोग देखना, और यहाँ पे देखो हम लोग सब कैसे, वो वहाँ पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे बैठे और यहाँ पे मैं ऐसा बैठी हुई, मतलब सैटरडे ना, जल्दी आ गया 11:30 बजे आ गया, हाफ डे रहती ना, तो सोचे सर जल्दी आ गया है, और बस हमारा ऑर्डर आता ही होगा, और 25 मिनट लगेगा, 20-25 मिनट, फिर खा लेना, फिर कपड़ा अगर धोना है धोना, नहीं तो बांध के रख देना, देखो सब कपड़ा निकाल के इधर पे सरफ वरफ सब अम्मी लेके बैठे हुए, ऐसे ही बैठे हुए, दो ही है, ये स्वान का स्कूल का है, ये अब्बा की इतनी टी शर्ट है, बस इतना ही है। तो मेरे को कंटा लगा था, मैं देखती हूँ कल भी नहीं धोने मिला था, क्योंकि घर में रहते ना तो धोने। अब्बा देखो अभी भी गाइस, अभी तक अब्बा घर में ना हमारा झाड़ू मार के हुआ है, ना हमारा पोछा मार के हुआ। अब्बा रहते तो हम लोग का काम सरता ही नहीं, मतलब होता ही नहीं, क्योंकि अभी तक खाली लेटे पड़े हुए थे इधर पे, तुम घर में मत रहा करो अब्बा, इसके लिए तो नहीं रहता हूँ। आदमी लोग ज्यादा मजा, मतलब बाहर रह गए तो फिर हो गया, फिर ज्यादा ढील दे दिया आदमी लोग को, तो इसलिए आदमी लोग के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अभी 2 बज रहे, 11 बजे तो 11:30 बजे आया हूँ, 12 बजे तक घर पे पहुंचो, 2 घंटे में कंटाल गए लोग, तो जा रहा हूँ वापस ना। तो तुम एक ही जगह बैठे रहते, तुम उठते ही नहीं है, क्या करेंगे? तो पूरा दिन भागता हूँ, कभी कभार तो ऐसा दिन आता है कि अम्मी ये एक ही घंटे में अपने को हिला देते कि नहीं हिला देते बताओ, अम्मी मेरी खुद बोलते बाप रे तुम हटो, मतलब काम करने ही नहीं देते। अभी ये बैठे कीकर का मुड्डा, बैठते ना कीकर का मुड्डा, मेरे को बोलते तो मुद्दा है, तो तुम क्या है, मुद्दा यानी मोटे, मुद्दा मुद्दा यानी जैसे खप करके बैठ जाते ना सब फूले ले लोग, उसको बोलते मुद्दा, है ना, हम लोग की कहावत है, बोलते है मुद्दा, कीकर का मुद्दा, बैठे तो फिर उड़ते ही नहीं, और मेरे को बोलते रहते जितना शरीर में तेरे को पता है। अब तुम्हारा पेट देखो, गर्मी आने से इनकी अभी सब रहती है, बाहर रहेंगे तो उनका थकान नहीं रहती है, घर में आएंगे नहीं बोल सकता हूँ ना, बाहर थोड़ी बोल सकता हूँ कि भाई मेरा पैर दुख रहा है, मेरा पीठ दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, बाहर ऑर्डर 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 किसी के भी बिहाफ में नहीं है, केस कुछ दिमाग उमाग है या दिमाग में भेजेंगे? अब्बा को एक ऐसी कमेंट भी आया था ना, बोले हलीमा अब्बा क्या हलीमा बाजी क्या खालू का पैर मत दबाओ, वो घर में रहते तो उनका पैर दुखता है, पर बाहर जाएगी तो वीडियो बनाएंगे। सही बोलते गाइस आप लोग, तो घर में रहेंगे ना, कैसा घर में रहेंगे ना, इनका पैर दुखेगा, हाथ दुखेगा, हाँ दुखेगी, बाहर मजे से घूमते हो, है ना अब्बा, थोड़ी बताना है मुझे
कि मेरा भाई मेरे को इतना तकलीफ है। देखो दिमाग दे तो घर में बैठो, आराम करो, भी बच्चों के साथ आराम करो, तकलीफ बैठो तो तकलीफ। खत्म 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 खत्म, बहुत बहस करे, खत्म। ऑर्डर आ गया, ये हमारा पिज्जा पराठा और ये मतलब बर्गर है जो मैंने मंगाई हूँ। और थोड़ा सा कुछ सीन हो गया, हम लोग इतना डर के अभी भागे, फोन आया तो इतना घबरा के मैं दिल धड़कने लग गया था। ये मतलब जो ऑर्डर, जो भैया ऑर्डर लेके आया, मतलब उसने लगता किसी की गाड़ी ठोक के आया था, तो उसको पीछे पीछे सब मारने के लिए आए थे। हम लोग को लगा कि सुहान का झगड़ा हो गया। हाँ, मुझे भी लगा सुहान का झगड़ा हो गया। हम भी भाग गए पीछे पीछे, चाउमीन क्या हो गया। तो चलिए खाते हैं पहला। देखिए खाने के बाद ये आलम होता है घर का हमारे। क्या है, चिकन नहीं था वो, बर्गर पिज्जा टाइप में वैसा मैंने ऑर्डर करी थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन है ना, पिज्जा पराठा भी मस्त था ना, मस्त है। मुंह देखो इसका, इसके अंदर है ना गुस्सा इतना भरा हुआ है ना, नाक इतना फुलाता रहता है, इनके जैसा ही पूरा। देखो टी शर्ट दोनों सेम पहने, दिख रही नहीं है। चलो अभी साफ कर लेते सब, पसारा हो गया। खाने के बाद जो गंदगी होती है ना, देखो वो तीखा खाता है, इतना तीखा खाता है कि एक बचा है। चिली फ्लेक्स पूरा खत्म हो गया, ये रखने का ओरिगिनो। इतना नहीं खाने की, क्या है ये ओरिगिनो है, ये मैंने चिली फ्लेक्स एक ही खाई। नहीं खाने का, उससे ना पेट में बहुत जलन होती है। एक आधा चलता है, पर तुम्हारा बेटा तो पूरा भर के खाता है, नॉर्मल खाते चलता है, बट ये कुछ ज्यादा ही खाता है। चार पैकेट, तीन पैकेट आया था, तीनों भी डाल लिया उसने। लेकिन गाइस मेरा तो सच में पेट अब भर गया, अब खाना खाने की फुर्सत। देखो इन लोगों का यहाँ पे क्या मारा मारी चालू है। अरे 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 अरे, देखो इतना मारता है ना अब्बा को। और यहाँ पे हमारी चाय, शाम की नाश्ता करने हम लोग बैठे हैं। आज ये दोनों नमूने हमारे पास ही सोते मायरा। अरे अरे पूरा फोन ही ला दिया। गाइज ये बच्चे को ना आप लोग कम नहीं समझना, ये बहुत ज्यादा बोलते ना अतरंगी है ना मायरा, तेको भी मारता है ना। आजा मेरा बाबू देखो। अरे अरे माहिर माहिर माहिर, ए गया गया मेरा अब्बा, गए 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 गए। बस रे बस, देख रहे मम्मी बस, चाय पीने आजा बेटा, चाय पीने। अल्लाह कितना जोर से चमाट दिए। अरे बस बस बस, चाय में गिर जाएंगे दोनों के दोनों। देखो कैसा लात दे रहा है, क्यों मार रहा है। दादा है ना बहुत फाइट करता है अब्बा से, इसको छेड़ते ना ये आके। अरे अब्बा से ही इतना मस्ती करता है, हाँ सिर्फ अब्बा से, बाकी किसी से नहीं करेगा। हाँ गाइस ऐसी मस्ती सिर्फ मेरे अब्बा से ही करता है। चलो चलो चाय पी। क्या हुआ था, देखो देखो इसको क्या हुआ था, देखो क्या हुआ इसको, क्या। अरे 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 दादा पी आ रहा है। चलो चाय पिएगा, चलो क्या हुआ, लग गया मारे को घुटने पे भी, लग गया ना आज। चलो अरे अरे उठ उठ, गिर जाइए उठ। ए माहिर सलाम करो, आई सलाम करो, देख रहे सलाम अच्छे से, तू बोल तू अस्सलाम वालेकुम। बहुत है ये, बहुत है, इसको खाली हाथ से हम अच्छे। यस हाँ जी खाए, अच्छा मैं अपने हाथ से दूँ तुम लोग को चाय, ठीक है। अब तो मैं क्या काम नहीं करती, तेरा कहने का मतलब क्या है। अरे 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 ये हमारे बोलते ना माने ले बच्चे हमारी अम्मी अब्बा के। उसको पहले उठा मेरे बेटे को। ए सानू उसको उठा, जा मायर उसको उठा, बोलू बच्चे तल्ले की खुशबारी बोल रहे अब्बा। तो खाने पे नहीं अच्छा। अरे देखो गाइस अगर कोई कुछ बनाता है तो खुशबू आती, खुशबू आती कि नहीं आती, आप लोग बताइए। ये तो तुम बोलो ही मत, सबसे ज्यादा तो तुम ही खाते घर में हम लोग के। नहीं उठ रहा, जाने तो छोड़ो, नहीं उठ रहा, आ जाओ तुम लोग चाय पी लो, आ जाओ। यहाँ पे आज बन रहा है तुरई की भाजी, और क्या है ये, कोई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मतलब तुरई की भाजी बना रहे है अम्मी चने की दाल डाल के, जो के बहुत अच्छी लगती है। ककड़ी दिख रहा है ना, तो एक भाजी ना मैंने इसके लिए बहुत शौक से खाती हूँ गाइस। मैं तो रोटी के साथ हो गया, चावल के साथ हो गया, बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पे देखो, आप लोग अब्बा से शिकायत करो क्योंकि अब्बा ने रेसिपी नहीं ली है, बोलो कुछ। अब्बा सोए थे, अब्बा सोए थे गाइस, मैंने सोची थी रेसिपी शायद शूट करे अब्बा, लेकिन मैं तो ट्यूशन
मतलब बच्चे लोग आ गए थे तो लोग को पढ़ाने ऊपर चले गई और मैं देखी तो आज तक आधी भाजी ऑलमोस्ट बन चुकी थी, तो वरना इसकी रेसिपी भी आप लोग को मिलती थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएंगे तो आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए रेसिपी कमेंट में बताना, आप लोग बोलोगे तो ही रेसिपी दूंगी, देगी अम्मी वरना नहीं देगी, है ना अम्मी? क्योंकि आप लोग की डिमांड पर ही सब जो भी आप लोग को चाहिए ईजी वे में बनता है। तो अब्बा की आज की मिस्टेक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चलो थोड़ा सा अभी मैं भी बैठी हूँ, अभी जस्ट आई हूँ, खाना बना रही है। ये देखो महाराजे को कल संडे है तो इनको अभी तक के सोना है, सो रहा है। आटा रखा हुआ था तो अम्मी ने, कितना सर आटा रखा था अम्मी? सुबह पराठा बनाई थी तो थोड़ा सा चार पांच रोटी का आटा उठा के रख दी थी बीच में, तो अभी यही बना डाली मैंने चार रोटी। कितनी है? चार है ना, तो दो मैं दो अब्बा। खा लेना ना तो रोटी खा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का खाना हो गया, बस खाना खा लिए जा रहे हैं बिस्तर लगाने के लिए। स्वान बैठा है खाना खाने के लिए, अभी हम लोगों ने तो खा लिए खाना। सो बस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और बेल घंटी बटन दबाना मत भूलना। सो अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ। मेरी अम्मी ने, मैं बोल रही तो पीछे एक्टिंग कर रहे हैं, अभी वो बैठे इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती हूँ। तो चलिए गाइस बाय बाय, लव यू ऑल। लेट मी अप विद अ ब्राइट स्माइल ऑन नाउ, मी इन द डार्क सो वोंट गेट लॉस्ट नाउ, टू द मूनलाइट आई सी यू आर रियल राइट नाउ, यू लुक